नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ अपराजिता। देखिए हमारे संवाददाता राजीव झा की ये रिपोर्ट। जिले में फल फूल रहा है अवैध नर्सिंग होम का कारोबार, जहां खूब कराई जाती है गर्भपात। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के अवैध नर्सिंग होम संचालकों के द्वारा पत्रकार सह आरटीआई एक्टिविस्ट हत्या की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी है, लेकिन अवैध नर्सिंग होम संचालकों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि इनके द्वारा चलाए जा रहे हैं अस्पतालों में बड़े पैमाने पर गर्भपात कराना जारी है, और पदाधिकारी के आदेश भी इनके सामने बेअसर पड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसा ही एक नर्सिंग होम संचालित हो रहा है जिले के कलवाही प्रखंड मुख्यालय से चंद कदमों के फासले पर और थाना के नजदीक, जहां नर्सिंग होम रात दिन लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों ने 2020 में ही इस नर्सिंग होम संचालक को मौखिक आदेश देते हुए इसे बंद करने के लिए कहा था, लेकिन रात दिन यहां इलाज के नाम पर लोगों के जीवन से खिलवाड़ जारी है। कलवाही प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी के देखरेख में बनाई गई टीम के द्वारा जब यहां लगभग 15 दिन पूर्व छापामारी की गई, तो मरीज को भगवान भरोसे छोड़कर सभी कर्मचारी भाग गए। धावा दल के द्वारा इन अवैध अस्पताल को बंद करने से संबंधित नोटिस अस्पताल के दीवार पर चिपका दिया गया। नोटिस चिपका हुआ आज तक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी यहां अस्पताल के नाम पर खिलवाड़ लगातार जारी है। प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी ने इसके विरुद्ध बड़े पदाधिकारी को लिखित रूप में कार्रवाई के लिए अपना प्रतिवेदन समर्पित कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि चिकित्सा के नाम पर लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले अवैध नर्सिंग होम संचालक के विरुद्ध क्या कार्रवाई हो पाती है। पेशेंट महिला पेशेंट है, डिलीवरी होना है क्या? कब से है यहाँ? पेशेंट कब से है आपका? और क्या क्या पेशेंट था, मतलब किस मामले का? बच्चा पेट में ही डेथ कर गया। अच्छा, 4-5 महीने का था, वही ना? 7 महीने का था, वो डेड कर गया था, तो इसीलिए आए हैं। तो आपको इसके बारे में कैसे पता चला जो यहाँ पे ये सब काम होता है? तो किसी दूसरे जगह से है, जैसे रात से लोग आए हैं यहाँ पे, पता नहीं किसने बताया, नहीं मालूम। रात से यहाँ आया? पहले तो यहाँ गया था सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ से बोला कि नहीं आप प्राइवेट में चले जाएंगे, तो यहाँ आ गए। आपको पता है ये हॉस्पिटल गैर कानूनी तरीके से चल रहा है यहाँ? ये नहीं मालूम था, यही तो कुछ भी नहीं देख रहे, बोर्ड भी नहीं देखे। बोर्ड नहीं देखने की वजह से हम कहीं और चले गए थे, फिर पूछे तो कहा कि यहाँ पे। इस हॉस्पिटल के बारे में किसने बताया आपको? मुझे कुछ नहीं पता है इसके बारे में। सर, जांच की गई थी यहाँ कुछ अवैध नर्सिंग होम चल रहा है जी। परसों हमारे प्रभारी महोदय द्वारा जांच जो गठित किया गया था, इसमें जो दो अवैध नर्सिंग होम चल रहा था उन पर छापा मारा गया और कागजात सब चेक किया गया, जिसमें कागजात के दौरान कुछ अस्पताल जो ब्लॉक के सामने में, वो तो सब लोग बंद करके भाग गए। बाबा के अस्पताल के बगल में जो नर्सिंग होम चलता था उसमें भी कागजात चेक किया गया, वो मानक के रूप नहीं है, तो उनको हम प्रभारी हमारे प्रभारी महोदय के द्वारा दोनों अस्पताल पर बंद करने का आदेश दिया गया है। लेकिन फिर भी अभी चल रहा है सर, उसमें तो हम लोग बंद करने का उसको नोटिस चिपका दिए हैं, और बार बार की सर ही बताएंगे क्या करना है उसको, आगे का कार्रवाई सिविल सर्जन के द्वारा भेज दिया गया होगा, उनको पता नहीं है एग्जैक्ट क्या करना है, सर ही बताएंगे। आपका सब परिचय? डॉक्टर सुरेश प्रसाद। 2022 लाया है आपके लिए सुनहरा अवसर, जहां है नौकरियां ही नौकरियां, जिसका आप बेरोजगार उठा सकते हैं फायदा। अपनी सफलता को शिखर देने के लिए संपर्क करें अ ब्रांच ऑफ एफजी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मधुबनी, कॉन्टैक्ट नंबर 7700899725। A1 मटन स्टोर, 100% शुद्धता की गारंटी, यहां सभी शुभ अवसर पर ऑर्डर लिया जाता है। संपर्क करें रियासत अली, मोबाइल नंबर 7549423786, दूसरा नंबर 7033339876, पता
लोहर सारी चौक गदियानी मधुबनी। आप हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।